आग जलाकर कंडे की जनहित के लिए क्या में लीन है, पूरी ठगी फैलाए इधर पा करो जी पा करो 10-20 हज़ार लूट लो, ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं मिलेगा। भैया मेरे यहाँ से ठीक हुए, सब ने मने कर दी थी, भैया मेरे पुलिस में थे, अभी रिटायरमेंट ले लिया, दरोगा थे, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, वे यहाँ से ठीक हुए, सब डॉक्टर ने मने कर दी थी उन्हें भी। इस समय जनपद पीलीभीत के तहसील कहीनगर और विधानसभा बड़खेरा लगती है और यहाँ पर एक गांव है सायगढ़। सायगढ़ के पश्चिम साइड में एक प्राचीन मंदिर है, श्री सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी मंदिर, और इसके जो सेवक हैं सीता बाबा तपस्या कर रहे हैं, चारों तरफ आग जलाकर कंडे की, और ऐसा लोगों का मानना है, कहना है कि वो समाज के जनहित के लिए और सेवा में लीन है, अब कब तक करेंगे उनसे भी जानेंगे। और रविवार और मंगलवार को यहाँ पर संगत लगती है, मंदिर में चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। भोलेनाथ पार्वती और माता रानी और सरस्वती और लक्ष्मी जी की यहाँ पर प्रतिमाएँ हैं, और बहुत ही भव्य तरीक़ा से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो हर मंगलवार और रविवार को आते हैं। जैसे कि दिखा सकते हैं इधर कुछ माताएं बैठी हैं और इधर कुछ माताएं और कुछ इधर भी माताएं बहनें बैठी हैं, इधर भी दिखाने की कोशिश करें, और इधर यानी कि हनुमान जी का मंदिर भी है। और यहाँ पर जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पर जो मुरियादाद बाबा के नाम से प्रसिद्ध उनकी शायद समाधि भी है, और उसे दिखाने का कष्ट करें, और उनकी गद्दी भी है जहाँ पर वो शायद बैठते थे, अंदर आप दिखाने जैसा कि आप देख सकते हैं एक चेयर है यानी कि कुर्सी है, उसमें बहुत तरीके से भव्य तरीके से सजा रखा है, बाबा जी हैं नोटों का हार से सजा रखा है, पड़ोस में गुरु नानक जी हैं। मंदिर राम निर्माण दरबार भी है यहाँ पर, दरबार में जैसा कि राम जी के सेवक हनुमान जी हैं, दरबार में ही राम और सीता लक्ष्मण की भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण किया, और ये बहुत ही अच्छी पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं तीनों, बहुत ही भव्य तरीके से देख सकते हैं आप। अब कुछ यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं श्रद्धालु, इनसे बातचीत करेंगे कि आप लोग कब से आ रहे हैं, कैसा क्या है। नमस्ते माता जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डी। अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए जिससे कि आवाज आपकी। गुड्डी सर। अच्छा, कहाँ रहने वाली हैं जी? अभयपुर। अच्छा अच्छा, इस मंदिर पे आप कब से आ रही हैं? हमें हो गए हैं 4 साल हैं सर। अच्छा, हाँ। क्या फायदा हुआ, जैसे यहाँ से कैसे लगा हुआ? यहाँ से बहुत फायदा हुआ, हमारा लड़का बीमार था वो भी ठीक हुआ, लड़की बीमार थी वो भी ठीक हुई, हम भी ठीक हुए हैं, बीमार थे हम भी ठीक हुए हैं यहाँ से। अच्छा, आपको क्या परेशानी थी जैसे कि आप ठीक हो गए? हमको परेशानी थी, पूरे शरीर में दर्द थी, बीपी बढ़ रहा था, वो हमारा शांत हो गया, बहुत हमें आराम है, काफ़ी आराम मिली। हाँ, काफ़ी आराम है, दवाई भी नहीं खाई, दवाई से नहीं ठीक हुए, हम यहाँ से ठीक हुए। अच्छा, महाराज जी के चरणों में पड़े हैं तब यहाँ से ठीक हुए हैं। चलिए, और भी अन्य लोगों से बात करेंगे। माता जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ रहने वाली हैं आप? अभयपुर के। अभयपुर के। अच्छा, इस दरबार में कब से आ रही हैं आप? हम ही गए 16 साल। 16 साल है। हाँ। अच्छा, आपका लगाव कैसे हुआ है? हम आए हुए। अच्छा, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? हमें हर चीज़ फ़ायदा हुआ है, सब बच्चों से फायदा हुआ। अच्छा। हाँ, परेशानी से घर में लड़ाई झगड़ा हो उससे सब शांति मिली। हाँ, सब शांति मिली। अच्छा, हमारे साथ में एक सरदार जी हैं जो यहाँ सेवा हुआ का कार्य करते हैं, इससे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरबजीत सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? अमरता दलीपुर के। अच्छा,
आप कब से आ रहे हैं यहाँ? हमें 10 साल हो गए, तो मेरा खून 6-7 बार कम हुआ, बहुत 6 महीने बाद कम हो जाता था। डॉक्टरों ने क्या कि पता नहीं क्या है, सब जांचें कराई, सब कुछ कराया, तो कुछ जांच में नहीं आया। तो अचानक पता चला कि बाबा सीता जी के यहाँ आराम मिलता है, मैं आया तो आज और कल और परसों और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 60-65 साल की उम्र है, बहुत बढ़िया है। और 10-12 साल से मैंने ऐसा मरीज नहीं हुआ आज तक देखा कोई कि जो वहाँ से निराश गया हो, जिसने कहा हो कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, जो केवल रविवार या मंगलवार को ही आते, इससे बीच में भी लोग आते हैं? नहीं, इतवार को तो मंगल को तो ज़्यादा आते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। कोई दुखी हुआ, जैसे हमें परेशानी हुई, कोई रिश्तेदार हमारा परेशान है, उसने कहा मुझे ठीक नहीं हो रहा, तो बाबा जी की यहाँ ले जाते हैं, कृपा हो जाती है। बाबा जी की कृपा हो जाती है जी, बहुत अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, शरीर अच्छा खासा जी। तो ऐसा मानना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा भाव से अपनी परेशानी को बताता है तो वो ठीक हो जाता कोई भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, या जब जैसे कोई डॉक्टरी इलाज है तो बाबा जी वो भी बता देते हैं कि आप डॉक्टरी इलाज कराइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो सीता बाबा जी बैठते हैं ना जी, जी जो इस समय तपस्या कर रहे हैं, लगभग कितने दिन से वहाँ पर तप कर रहे हैं? 20 दिन हो गए लगभग। क्या नाम है आपका? गुरेंद्र पाल सिंह। कहाँ रहने वाले हैं आप? कटपुरा। अच्छा, आपको लिए कैसे पता लगा इस दरबार की महिमा के बारे में और क्यों आते हैं आप? हमारी घरवाली बीमार थी, यहाँ से सही हुई है। अच्छा, क्या परेशानी थी? कई परेशानियाँ थी, मतलब आराम आ गया, यहाँ ने मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के लिए आप आते हैं तो यहाँ पर पूरे दिन रहते हैं जिस दिन, और या कुछ सेवा करके चले जाते हैं जी? इतवार को सेवा को चढ़ावा वढ़ावा भी चढ़ाते हैं, जो मन में आपके है श्रद्धा मत्था टेक, तो जो भी मांगते थोड़ा किसी से कुछ। चलिए, क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम जरमल सिंह है। कहाँ रहने वाले हैं? मारो ठंडक रहने वाले हैं। अच्छा जी, दरबार में आप कब से आ रहे? कब से? मुझे लगभग 15 साल हो गए यहाँ। 15 साल हो गए जी। अच्छा, क्या परेशानी थी जिससे कि किसने बताया आपको यहाँ दरबार में आइए जिससे कि आपके लिए फायदा? ऐसे हमारे शाहगढ़ के रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया भी बाबा जी अच्छे हैं, उनसे भला फायदा हो जाता है, आते हैं यहाँ पे भगवान का नाम लेते हैं, भला हो जाता है, जो काम मन में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है कार्यक्रम। अच्छा, तो समाज के हित के लिए जो बाबा सीतादास बाबा जो हैं वो इसमें तपस्या कर रहे हैं, तो वही कुछ आप लोगों को बताते हैं वैसा ही करते हैं केवल, या दरबार में मत्था टेक के चले जाते हैं? नहीं, इस टाइम दरबार में सब कुछ बताते हैं, जब वहाँ से उठ के आते हैं, वहाँ अपने बैठते हैं, गद्दी बैठते हैं, सब लोगों को गद्दी पे बैठ के तब बताते हैं, तब सब बताते हैं, कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं भी, ये गरीब आ गया या अमीर आ गया। कौन लोग आते हैं? सब जाति के बराबर आते हैं, सभी लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हैं सभी आते हैं, जिनको पता चलता है वो सभी लोग आ जाते हैं। सीता बाबा जी हैं, कुछ चढ़ावा उड़ावा तो नहीं लेते हैं? ना ना, बिल्कुल नहीं, जो श्रद्धा है अपनी वही मत्था टेको, बाकी मांगते किसी से नहीं है, ज़्यादा किया तो भंडारे का कह देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। भंडारे भी यहाँ होते हैं? हाँ, भंडारा हर रविवार और हर मंगलवार को भंडारा डेली लगता है। अच्छा, आज कौन सा दिन है? आज मंगल है। मंगल है, आज भंडारा होगा? हाँ, भंडारा होगा, चलेगा भंडारा? हाँ, भंडारा चलेगा, चाय का लंगर भी चलेगा, तैयार है भंडारा, चलेगा भंडारा भी दिखाएंगे आपको, लिए जैसा कि बता रहे हैं आप, भंडारा जो लगता है, भंडारा में क्या प्रसाद के रूप में बनाते हैं? भंडारे में सब कुछ चलता है, पूड़ी कचौड़ी जो भी कुछ है, किसी की जो श्रद्धा होती है वो ही बनाते हैं, सब कुछ भंडारा चलता है, हर तरीके का भंडारा चलता है। चलिए, उधर पड़ोस में शनिदेव महाराज की भी प्रतिमा बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं शनिदेव महाराज की भी प्रतिमा स्थापित है। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह जी। कहाँ रहने वाले हैं? मुरादपुर माती के। अच्छा, आप वर्तमान में प्रधान हैं? जी, इस समय प्रधान हैं जी। अरे, कब से आ रहे हैं इस दरबार में यार? ये जी हम 2007 से आ रहे हैं। 2007 से जी। अच्छा, तो लगभग 15 वर्ष हो गए हैं जी। 15 वर्ष हो गए। अच्छा, तो इस दरबार में जो संगत लगती है जी, तो यहाँ पर क्या क्या कोई चढ़ावा चढ़ाया जाता है, या कि जो भंडारा के रूप में कराया जाता है, जो कौन लोग करते हैं इसका, जो खर्च कौन उठाता है? ये जी, जैसे संगत आती है, कुछ मन्नत मांग लेते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है, उसके बाद में वो अपनी खुशी से मतलब भंडारा करा दें या कोई मन्नत चढ़ा दें, उनकी श्रद्धा है जी। भंडारा में क्या क्या बनाते हैं, दिखाएंगे आप? या जी, हाँ जी, बहुत कुछ बनता है जी। भंडारा दिखाओ। तो कढ़ी बनी हुई है, कढ़ी और चावल, कढ़ी बनी हुई है और चावल बने हुए हैं, वैसे पूड़ी का, आलू का, और दाल वगैरह, दही वगैरह सारा कुछ बनता है जी। अच्छा, बदल बदल कर जी, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसे ही कराते हैं। अच्छा जी, हफ्ते में 2 बार लगता है जी, इतवार और मंगलवार को। इतवार और मंगलवार को जी। अच्छा, तो जैसे कि आपने कैसे पता लगा कि यहाँ पर एक मंदिर है, दरबार है,
सीता बाबा जी का जी, तो आप लोग का पता लगा क्या आपकी परेशानी दूर हुई जिससे कि आपका लगा हुआ? ये परेशानी थी, हमारी यहाँ बहन रहती हैं, उन्होंने बाबा जी के बारे में बताया था। जब बहुत कम लोग यहाँ आते थे, किसी को पता नहीं था, 4-5 लोग आते थे, तब फिर बहन ने बताया तो हम आना शुरू हुए। हमारी शादी हो गई थी, 3-4 साल तक बच्चा नहीं था, तो फिर यहाँ आए तो बाबा ने फल डाल दिया, तो फिर तब से फ़ायदा हो गया, तब से फिर हम जुड़ गए, फिर काफ़ी संगत आ रही है इस समय तो। अच्छा। और काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है, जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। कहने का अर्थ ये है कि आपके जो बच्चे की कोई खुशी नहीं हो रही थी, इससे यहाँ आने से आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ जी। अच्छा, क्या लड़की हुई? लड़का? दो बेटियाँ हैं। दो बेटियाँ हैं जी। जब से आपका लगाव यहाँ, बड़ा कुछ दिया है मालिक ने, बहुत कुछ दिया है, घर में जगह नहीं है साधन खड़े करने की, इतनी कृपा है मालिक की। जब से जुड़े हुए हैं कहीं ना उम्मीद हो वो यहाँ चला है जी। अच्छा, जो यहाँ पे सीता बाबा जी हैं जी, वो तपस्या में बता रहे हैं लीन हैं जी, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जी कृपा है मालिक की, उन पर बड़ी कृपा है, मतलब कृपा ही है। हम लोग तो ऐसे बैठ नहीं सकते हैं, वो जैसे वो बैठ रहे हैं तपस्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी भक्ति है। कहाँ रहने वाले हैं? हम पीलीभीत के रहने वाले हैं। खास पीलीभीत? हाँ जी। अच्छा, आप इस दरबार में कब से आ रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। अच्छा, आपको ले क्या परेशानी थी जब यहाँ प्रथम बार आई? मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सब डॉक्टर ने मना कर दी थी मुझे। क्या परेशानी थी? पेट में दिक्कत थी मेरे। पेट में दिक्कत थी, मुझे नहीं मालूम बाबा जी को मालूम है क्या थी। बाबा जी सब डॉक्टर ने मना कर दी थी, लेकिन मैं यहीं आके ठीक हुई हूँ। ठीक हो गए? हाँ जी। कई वर्ष हो गए लगभग आप लोग? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। अच्छा, तो आज का जो भंडारा जो प्रसाद के रूप में आपके ही स्तर से बनना है या आप केवल यहाँ पे सेवा करती हैं? सेवा करते, सबके स्तर से बनता है, सबके स्तर। हाँ। समाज सब लोग सहयोग। हाँ। से तो आप ही आ रही हैं, आपसे फैमिली से और भी लोग आ रहे हैं? हाँ, मेरे फैमिली से मेरे घर तक के आते, मेरठ तक के। मेरठ तक? हाँ जी। भैया मेरे यहाँ से ठीक हुए, सब ने मना कर दी थी। भैया मेरे पुलिस में थे, अभी रिटायरमेंट ले लिया, दरोगा थे, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, वे यहाँ से ही ठीक हुए, सब डॉक्टर ने मना कर दी थी उन्हें भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप यहाँ हजारों संगत ठीक होती है, हजारों लोग और क्या। अच्छा, हमने सुना है कि शिवरात्रि को यहाँ पर मेला भी लगता है। भैया बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ, कई हजार आदमी आते, हजारों की संख्या में श्रद्धालु, हजार आदमी। अच्छा, जो सीता बाबा जी हैं और जनहित के लिए वो तपस्या कर रहे हैं शायद, तो इससे आपको क्या लगता है? अरे भैया, वो तो सबके लिए कर रहे, सबकी सुख, सबकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए। तो आपके लिए उनके बारे में कुछ जानकारी है, कब तक करेंगे, कैसा क्या? ये कोई जानकारी नहीं बाबा जी के बारे में, कब तक करेंगे। ठीक है दादी जी। नाम बाबा सरस्वती सीठा शाह जी बोलते हैं हमें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये यहाँ ये ग्राम सागढ़ है। हाँ जी, सागढ़ नाम से गांव, जो ग्राम पूर्णपुर में ये सील सागढ़ में पड़ता है। यहाँ एक माता रानी का दरबार है, वहाँ से हमें लगन लगी, और हमारे जो यहाँ तपसी बाबा सर जंगल में तपसी बाबा जी रहते थे, उनसे हमने दीक्षा ली थी। उसके बाद में फिर अपनी भक्ति कार्य में लग गए। उद्देश्य ये है कि सबका भला हो, कल्याण हो, अमन चैन के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, सबका भला हो, देश का भला हो, जो भी दुखी की बात है उनका। अच्छा, जानना चाहेंगे आपने कितनी उम्र थी जब आपने इस बहस को अपनाया? मुझे लगभग 28 साल हो गए। 28 साल। हाँ, तो उस टाइम क्या एज होगी आपकी? जो एज उस समय मेरी जय थी करीब 16-17 साल की। अच्छा, आपने कोई जैसे कि न्यासी तरीका जीवन व्यतीत कर रहे हैं या कोई आपने विवाह भी किया? नहीं, देखो हम गृहस्थी में हैं, जितने भी देवता सब गृहस्थी में रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु भी गृहस्थी में रहे हैं, लक्ष्मण विष्णु महेश जी भी गृहस्थी में है, और श्री राम जी भी गृहस्थी में, शिव जी भी गृहस्थी में हैं, जितने भी सब देवता गृहस्थी गृहस्थी में रह के ही उन्हें जीव इसमें भक्ति में रहे हैं ऐसे। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि आपके जो श्रद्धालु लोग लगातार बता रहे हैं कि आपके दरबार में आने से और अपनी समस्या बताने से और उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्या करते हैं ऐसा आप? देखो, ये तो परमात्मा की कृपा है, उसी निरंकार की कृपा है, देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति निरंकार की करते हैं, तो इसमें जस मिलता है, वो परमात्मा जस दे रहा है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि इस समय गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप में और ज़मीन भी जल रही है, आज तो मौसम खैर ठंडा है, आप तपस्या कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, और तो आप कैसे कर लेते हैं? और देखो, ये तो गुरु जी की दीक्षा दी हुई, शिक्षा दी हुई है, ऐसे करना है। अगर आप अपने आप को कष्ट देंगे या आप इसमें कहेंगे तो लोगों का कल्याण ऐसे नहीं होता है। लोगों का कल्याण जब अपने आप को कष्ट सहेंगे या अपन जो भी बताता है तभी वो परमात्मा आपके ऊपर ध्यान करेगा, फिर लोगों को जो इतनी आस्था वास्ता लोग लेकर आएंगे
तो फिर वो आप जब आप तपस्या करेंगे लोगों पर विश्वास है, बैठे ठीक है अभी हमारा तपस्या के ऊपर विश्वास है, लोगों हमारे ऊपर विश्वास है, तो वो परमात्मा खुद ही देखता है जी क्यों इसके इनके पास आ रहे हैं, क्यों वो खुद ही वो ईश्वर करता सब काम। अच्छा एक बात जानना चाहिए कि आप कब से कर रहे हैं यहाँ ये तब? जी आज लगभग होने जा रहे हैं 20-21 दिन होने जा रहे हैं। 20-21 दिन। अच्छा कब तक करेंगे आप? जी अब जी ईश्वर इच्छा तक जो जब भी वो राम जी की इच्छा परमात्मा की इच्छा है अभी क्लियर नहीं अनिश्चितकालीन जब हुक्म आ जाएगा उठ जाएंगे। अच्छा तो आप अपना पूरा जीवन समाज के हित के लिए? हाँ समाज के लिए कर रहे हैं बस। समाज योग शक्ति में आप किस चीज़ का मंत्रों का उपचार करते हैं? जैसे देखो हमारे पास सभी ही हैं, सभी ज्ञान है गुरु जी की, सब दीक्षा सब ज्ञान दिया हुआ है, जैसे सरस्वती जी का, दुर्गे का है, माँ काली का है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, राम जी का है, और सभी लगभग सभी देवों को आप नमन करते हैं, सब देवों का गुण दिया हुआ महाराज ने। आपके जो गुरु जी आप जैसा बता रहे हैं जैसे आपने दीक्षा ली है शिक्षा ली है उनका क्या नाम है वो? देखो जो दीक्षा वाले गुरु जी वो यहाँ मुंगरिया दास नाम से मशहूर थे, जिससे मैंने शिक्षा ली उनके नाम है बापू नंदी नरेंद्र जी, पंजाब के हैं। तो वो पंजाब के यहीं रहते थे या आप पंजाब? नहीं मैं वहाँ गए थे, वहाँ से दीक्षा शिक्षा ली, फिर उनके एक बेटा थे वो वहीं आए थे, उन्होंने फिर हमें जो शिक्षा दीक्षा वो ग्रहण कराई भी ऐसा आप करें इस तरीके से हमने आपको चलना है इस ये करना है, ये तो अच्छा कर्म करें अच्छा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करें झूठ मत बोलें जैसे, और कर्म ही पूजा है, हाँ जी ये अच्छा कर्म करेंगे अच्छा अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा साथ में आए ये इन अच्छा प्रकार से हर काम अच्छा होना चाहिए, मतलब इधर ये नहीं इधर झूठ निंदा जे करो, कोई साधु संत भी अच्छा होना चाहिए जो चोरी ठगी फैलाए हमें इधर पा करो जी पा करो 10-20 हज़ार लूट लो, ऐसा कुछ नहीं हमारा कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं मिलेगा जैसे बाबा जी जी ऐसा काम करते हैं जब पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम, जो संदेश देना चाह रहे हैं भी भक्ति आज भी कल युग में भी कायम है, पहले भी कायम थी आज भी कायम है, लेकिन आप अपनी इच्छा आप उस रास्ते से रास्ता पकड़ लीजिए जो रास्ता आपको सीधा ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा हम जानना चाहेंगे जैसे कि आप योग शक्ति अपने दरबार में भी कर सकते हैं, फिर आप इतनी दूर कम से मंदिर से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर आग जलाकर ही क्यों की, वैसे भी तो की जा सकती है। ये जो तपस्या है ये जैसे खाड़े होते हैं जूनागढ़ खाड़े, दशनामी खाड़ा है, और दत्तात्रेय जी जो हैं जो गोरखनाथ जी हैं वो इसी धुनी ही जमाते थे, तो ये इस नाथों की तपस्या है, नाथों की तपस्या जैसे नाथ जो नाथ पंक्ति में जो तपस्या चलती है ये गाँव के बाहर जहाँ लेडीज ना सके। लेडीज की क्या पाबंदी है इसमें? ये बालकनाथ जी हैं ये लेडीजों का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, लेडीज को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे कि जैसे हम ये हमारी जन्मदाता हैं और ये इनसे हम लोग कहते हैं बाबा जी के पास लेडीज जा नहीं सकती, ये नहीं जा सकता वो नहीं कर सकता, लेकिन बाबा जी इनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे कि ये हमारी माँ हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी माँ हैं, ये जन जननी हैं, जन जननी है। मतलब रविवार और मंगलवार को आपके यानी कि संगत लगती है आपके यहाँ, दूर दराज से श्रद्धालु लोग आते हैं, तो आप क्या विशेष कराते हैं, कोई प्रसाद उसार के रूप में कोई चढ़ावा उबार लेते हैं या केवल भंडारा कराते हैं या अन्य कोई? देखो ये जो बालकनाथ जी का जो मेन रोड पर प्रचार चलता है बालकनाथ जी का, वो महामाई का तो आप जानते हैं कि महामाई जैसे मर्जी माता को तो जैसे मर्जी प्रसन्न कर लो, ठीक है जी, लोग प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं और लोग आते हैं अपनी मन्नत इनकी पूरी, लंगर भंडारा भी कराते हैं। हाँ जी, तो भंडारा में जिसकी जो श्रद्धा है वो उस भाव से कर सकता है। हाँ, हमने कोई यहाँ फीस फूस नहीं है, जैसे जो भी आप जो उसकी इच्छा है वो जैसा कोशिश से करते हैं। हाँ, हमारा जो मेन हमारा मेला है जो भंडारा जो शिवरात्रि को होता है, शिवरात्रि वो हम कराते हैं, अपनी संगत से आपको संदेशा देते हैं, अब आपका अब हमारा हक बनता है, आपका हक बनता है, आप इस बार भोलेनाथ का जो शादी का कार्यक्रम खूब धूमधाम से मचाएं मनाएं। अच्छा जी बताइए आप इसी लिबास में रहते हैं या कोई? नहीं हम बारह मास जैसा हर तरीके से रहते हैं, ऐसी कोई नॉर्मल हम कौन से भगवान हैं, आपके जैसे इंसान ही हैं। ना, आप ईश्वर के एक सेवक हैं। लेकिन ऐसे ही रहते हैं, जैसे आप लोग रहते हैं ऐसे हम रहते हैं, जब तपस्या के समय अपने जी वस्त्र धारण कर लेते हैं, साधारण रहते हैं ही साधारण है, उसकी ताकत तो कोई भी नहीं जान सकता। बिल्कुल। तो आज कोई जिस श्रद्धालुओं आपके काफ़ी टाबले थे मिलने के लिए, आप काफ़ी प्रशंसक हैं, तो नहीं ये खूब अच्छे से रहें, अपना अच्छा कर्म करें, और इनको क्या संदेश, इनको मालूम है सब बाबा जी कैसे हैं कैसे नहीं है सब मालूम ही इनको, लेकिन जो भी हैं आप अच्छे से करें, जो हम जो भी संतों को संदेश देते हैं अभी आप अच्छा कर्म करें, अच्छे कर्म चाहें, जो भी लोग आपके जाते हैं, लोग बहुत सारे ऐसे कई लोगों के स्थान पर जाते हैं, लोग उसका शिकार लूटने का धंधा आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादातर, हम इस चीज़ में नहीं है कि हम बालकनाथ जी के सेवादार हैं, उसमें गोरखनाथ जी वैसे सभी देवता ही लगभग आ जाते हैं, जैसे ख्वाजा पीर भी हैं, ख्वाजा पीर भी हम
इसी धर्म से निकलते हैं, हम सभी धर्म को नमस्कार करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनकार हाँ नहीं हमारे सब कृपा है, ख्वाजा जी की कृपा है, भोले बाबा आपके पास एक कोई व्यक्ति विशेष के लोग आते हैं या सभी धर्म के लोग नहीं मेरे हम किसी से पक्षपात नहीं करते, हम सभी जो हिंदू मुस्लिम सिख जो सबको नमस्कार है, जो भी आ जाए हम उसी वही गुण हमें गुरु जी ने दिया हुआ है उसी हिसाब से उनका बता देंगे भाई जी आप करो अच्छा ये करो, निंदा मत करो संतों की। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने हमसे बातचीत की, बातचीत के दौरान सारे क्वेश्चन जो हमें लगे वो किए और सब, और यहाँ जो भी बताया कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था है और उनको फ़ायदा होता है, सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं, कोई बना फायदे के लिए कोई किसी के पास नहीं आता है। 21 दिन से लगातार तपस्या कर रहे हैं कड़ी धूप में और यहाँ पर काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं, आपको इनकी तपस्या कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।